नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। इन दिनों बिहार में नेताओं को लेकर एक्टिव होने की बात हो रही है। कभी लालू प्रसाद यादव जू सफारी की ओर जा रहे हैं, तो कभी नीतीश कुमार कहते दिख रहे हैं कि जब मंत्रालय विस्तार की बात होती है तो कहते हैं कि इन लोग से बात करिए। समझिए बिहार किस स्थिति में है, बिहार में हमेशा क्या चर्चा चलता है, क्या चलना चाहिए, विभाग किस तरह से काम कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। विभाग में कितने लोग एक्टिव हैं, मुख्य सचिव अपने विभाग को लेकर ग्राफ दर कितने बढ़ा रहे हैं, कितना विकास हो रहा है, इनकी चर्चा नहीं हो रही है। खास करके बिहार के वैसे पत्रकार, कभी लालू यादव पान खाने निकलते हैं, कभी जू सफारी की ओर जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार इधर निकलते हैं, कभी लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है कि इतनी सीटें मिलेगी, कभी भी ये चर्चा नहीं होता है कि बिहार के जितने भी विभाग हैं उनमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना विकास दर बढ़ रहा है। तो हमेशा कभी लोकसभा चुनाव की बात होगी, कभी विधानसभा की बात होगी, साल दो साल पहले बात चलने लगता है, चर्चाएं चलने लगता है, गठबंधन की बात होने लगती है, हर नेता के पर्सनली दिखाया जाता है कि कौन कितना एक्टिव है, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहा है। इन दिनों ये चर्चाएं चल रही है, तो बिहार को लेकर आप समझ सकते हैं कि विकास दर कितना नीचे जा रहा है। बिहार को लेकर जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें जो हमेशा कितना अच्छा देखने को मिलता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि बिहार कहाँ है। हमेशा हम चुनावों में अपना वक्त देते हैं, खासकर को ऐसे पत्रकार जो हमेशा बिहार को गर्त में उनके पीछे पीछे जो दौड़ते हैं, कभी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत कम प्रश्न उठते हैं, लेकिन बहुत कम। तो समझने की बात है कि बिहार में जो विभाग हैं, विकास दर क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर कितनी बिहार पर चर्चाएँ हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है। आप देखते रहिए बिहारी क्लब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।